व्हाट्स अप यूट्यूब, कैसे है अपनी छोटी सी यूट्यूब फैमिली। भाई आज लॉकडाउन खुलने वाला था, अगर केसेस नहीं बढ़ते थे तो सोचो कितना खुशी होती थी। हम सब लोग नॉर्मल लाइफ में वापस रिटर्न आते थे, सब लोग अपने अपने काम पे जाते थे, लोगों को जो इधर उधर काम रहती थी सब होती थी, रस्ते में गर्दी दिखती थी, हलचल होती थी, दिख के बहुत अच्छा लगता था। पहले ऐसे एक एक बार ऐसा लगता था इतना गर्दी यार मजा नहीं आ रहा, इट्स टू कंजेस्टेड, हम लोग ऐसे डायलॉग मारते थे ना। अभी जब सब कुछ खाली लग रहा है तब ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, तो पहले की गर्दी अच्छी लगती थी, लोग सब जगह लोग दिखते थे, काम कर रहे, मेहनत कर रहे, काम कर रहे, मेहनत कर रहे। पैसे से एक चीज याद आया कि हमारे सरकार ने कहा था कि ये लॉकडाउन में आप आपके एम्प्लॉयज की सैलरी मत काटिए, जबकि हमारे जो करप्ट पॉलिटिशियंस हैं उन लोग ने अपने अपने 30% 40% कट की है। अभी भगवान जाने उन लोग ने कट किए कट नहीं किए, और सिर्फ भगवान ही जानता है, और उन लोग अचमचे ही जानते हैं। जहां तक ये मैं समझता हूँ ये सब बोल बच्चन बातें हैं, इन लोग तो एक रुपया भी नहीं छोड़ते। और जब जहां तक कि हमारे सरकार ने कही है कि एम्प्लॉयज की ये मत काटी, चलो सर्विस सेक्टर्स की बात है तो वी कैन अंडरस्टैंड कि हाँ चलो वर्क फ्रॉम होम, उन लोग को घर के असाइनमेंट्स दी गई है, उन लोग घर पे काम कर सकते हैं। बट वॉट अबाउट बिजनेस पीपल, मेरे जैसे छोटे मोटे बिजनेसमैन जिसका बिजनेस टोटली बंद हो गया लॉकडाउन की वजह से, वो अपने एम्प्लॉयज को कहाँ से पैसा देगा? मेरा गवर्नमेंट से ये क्वेश्चन है। मेरे पास तो कोई झाट नहीं है कि मैं उसको हिलाऊं और पैसा आ जाए, भाई ये लो एम्प्लॉयज को, ये तुम्हारा सैलरी है, ये तुम्हारा सैलरी, ये तुम्हारा अप्रैल का सैलरी है। मैं ये बात आज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कल मेरे कुछ 2 या 3 एम्प्लॉयज ने फोन किए थे, मुझे कह रहे थे कि पलाश भाई मुझे हमें सैलरी दो। मैं बोला भाई सैलरी कहाँ से दूँ, कामकाज तो पूरा अटक गया है, अगर मुझे सैलरी देनी ही होगी तो मुझे अपने घर से देनी होगी। अब मेरे पास तो काला धन नहीं है सब पॉलिटिशियंस के माफिक जो करप्शन करके अपना बैंक बैलेंस इतना बढ़ा थे, मेरा मेहनत की कमाई है। तो गवर्नमेंट से मेरा ये पूछना था कि आप लोग डायलॉग तो बहुत बड़ी बड़ी मारते हो कि सैलरीज के एम्प्लॉयज मत कट कीजिए, उनको सैलरी दीजिए, पर आप लोग ये नहीं सोचते कि हमारे पास पैसे आएंगे कहाँ से? हम लोग भी तो घर पे ही बैठे हैं, हमारे पास जो बचे कुचे पूंजी पड़ी है, पूंजी मतलब द सेविंग्स जो पड़ी है, उसी से हम लोग घर का खर्चा चला रहे हैं। फिर भी मैंने एम्प्लॉयज को ना नहीं बोला, मैंने कैसे भी करे जुगाड़ करके उनकी सैलरी मैंने दे दी है, पर कब तक चलेगा? मुझे तो नहीं लगता ये अप्रैल मंथ भी पूरा कंप्लीट होगा कि ये वायरस की जो काउंटडाउन इंडिया में बढ़ रही है कुछ कम होगा। मैं आप ये मत सोचिए कि मैं कुछ नेगेटिव बोल रहा हूँ, पर जिस तरीके से ये बढ़ रहा है कि आई एम लिटिल बिट सरप्राइज कि कहाँ कभी रुकेगी ये। पर चलो मैंने अप्रैल मंथ का सैलरी तो दे दी है, पर उसके आगे क्या, मैं कहाँ से और पैसे लूँ? मेरे पास तो पॉलिटिशियंस के माफिक काला धन है नहीं, जो कुछ काम भी नहीं करते तब की उनकी जो एसेट्स है वो करोड़ों में है, करोड़ों में, कहाँ से इनके पास पैसे कहाँ से आते? करप्शन और क्या, सिंपल सी बात करप्शन। तो गवर्नमेंट को ये भी सोचना चाहिए कि जो छोटे मोटे बिजनेसमैन है, बड़े बिजनेसमैन वी कैन अंडरस्टैंड, इवन उन लोग का भी गोलमाल है, वाधवान जैसे करप्ट बिजनेसमैन अगर लॉकडाउन में महाबलेश्वर पहुंच सकते हैं तो आप सोच सकते हो कि गवर्नमेंट का हाथ किस किस से मिला हुआ है करप्ट पीपल उसे। तो गवर्नमेंट को ये भी सोचना चाहिए कि हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे कि हम हमारे एम्प्लॉयज, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे पैसा नहीं देना, डेफिनेटली मुझे पैसा देना, पर गवर्नमेंट को इसका भी कुछ अरेंजमेंट करना चाहिए था। और मैंने कहीं पर तो सुना था हमारे बोल बच्चन गवर्नमेंट ने कहा था कि सबके अकाउंट में 12,000 15,000 डाल देंगे, हर महीने 20,000 तक डाल देंगे, कहाँ गए वो पैसे? किसी के पास आए नहीं और आएंगे भी नहीं। बस यही एक छोटा सा एक ब्लॉग, बस खाली एक कॉमन सेंस की बात करनी थी। वो कहते हैं ना कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट बहुत कुछ बात बड़ी बड़ी बात करती है, पर उसमें से 1% बात भी अगर सच होती है तो थोड़ा अच्छा लगता है कि चलो बड़ी बड़ी बात तो की है, 1% बात सच हुई है, पर 1% तो दूर की बात है, 0.1% बात भी सच होती है। मुझे नेगेटिव मत समझिए, मैं कुछ नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, मेरे जैसे 99.9% लोगों के माइंड में यही बातें चलती रहती जो पॉलिटिशियंस लोग के बात कान तक जाती नहीं। आई होप बी पॉजिटिव, आई होप कोरोना वायरस जो इंडिया में और ऑल ओवर वर्ल्ड में जो फैली हुई है जल्दी से खत्म हो जाए और हम सब अपने नॉर्मल लाइफ में वापस से रिटर्न आए, खुशियाँ वापस से रिटर्न आए, काम करने लगे, पैसे कमाए, सबके पास काम हो, बस यही भगवान से प्रेयर करते हैं।